हमारे क्लास में एक बार फिर से सभी लोगों का वेलकम किया जाता है। पॉलीवर्स इस टॉपिक पर हम लोग पहले भी एक बार मुलाकात कर चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिए थे। हमने कहा था इन एग्जाम्पल्स को याद रखो, इनके मोनोमर्स को भी याद रखो कि कौन सा मोनोमर है, इसका पॉलीमर क्या होगा। इस क्लास में हमें आगे बात करनी है। इस क्लास में हम बात करेंगे रबर्स की, थोड़ी बात रेजिन्स की होगी, एक कैटालिस्ट होता है जिग्लर नेटा कैटालिस्ट, थोड़ी सी बात इसकी होगी, और फाइनली एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स की, हमारे डेली लाइफ में पॉलीमर्स का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, इसको करते हुए क्लास को समाप्त किया जाएगा। तो लग जाते हैं काम पर। पहला टॉपिक रबर्स। देखो हमारे पास दो तरह के रबर होते हैं, एक होता है नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, और दूसरा होता है सिंथेटिक रबर। और जैसा नाम वैसा ही काम भी होगा। नेचुरल रबर मतलब नेचर से मिलेगा, और सिंथेटिक मतलब हम खुद से बनाएंगे। नेचर में कहां से मिलता है, तो नेचर में पेड़ पौधों से मिलता है, और सभी पेड़ पौधों से नहीं मिलता है। रबर का एक स्पेशल पेड़ होता है, उसका नाम भी होता है कुछ साइंटिफिक, वो नाम तो हमें नहीं याद रहा। रबर का पेड़ कहना सफिशियंट है, रबर ट्री। तो रबर का पेड़ होता है, और उस पेड़ में से जो है एक लेटेक्स, ठीक है, लेटेक्स मटेरियल निकलता रहता है। लेटेक्स क्या होता है, जैसे कुछ पेड़ पौधों को तुम तोड़ोगे, उसकी पत्तियों को या उसकी डालियों को तोड़ोगे, तो उसमें से दूध जैसा मटेरियल निकलता रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये लेटेक्स है। तो रबर के पेड़ में से भी लेटेक्स टाइप का मटेरियल निकलता रहता है, उसी को प्रोसेस करके, उसी को मॉडिफाई करके बाद में नेचुरल रबर बना लिया जाता है। नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, केमिस्ट्री में हम है तो हमें स्पेशली उसके स्ट्रक्चर से मतलब है। तो नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस बात को समझने के लिए हमको उसका मोनोमर देखना होगा। नेचुरल रबर का मोनोमर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, एक दो तीन चार कार्बन एक चेन है, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स का पैटर, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। आईपीएसी नाम इसका लिखे, टू मिथाइल वन थ्री ब्यूटा ड्राई तीन होगा, और कॉमनली इसको हम लोग आइसोप्रीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये इसका कॉमन नाम है, और मोस्टली क्वेश्चन जो है इसी नाम से पूछा जाता है कि आइसोप्रीन क्या होता है। तो आइसोप्रीन जो है नेचुरल रबर का मोनोमर है, और जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है, तब हम लोगों को मिलेगा पॉली आइसोप्रीन, और यही पॉली आइसोप्रीन को ही बोलते हैं कि ये नेचुरल रबर है। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाए, तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा। सबसे पहले देखो, एक दो तीन चार कार्बन एटम्स का चेन है, तो एक दो तीन चार, करेक्ट। यहां यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन को, मिथाइल ग्रुप को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, उसको हम लगा देंगे जैसे का तैसा। हमें स्पेशल फोकस जो है बॉन्ड्स के ऊपर करना है। देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने चेन वाला मैकेनिज्म देखा था, मतलब चेन ग्रोथ मैकेनिज्म या रेडिकल मैकेनिज्म। तो रेडिकल मैकेनिज्म ही अगर इस पर अप्लाई करें तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड में सिग्मा है, पाई है, तो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेगा, यहां पर भी वही काम होगा, पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। तो अभी क्या नजारा हो जाएगा, ठीक है, चारों के बीच में एक एक बॉन्ड है, अब एक एक इलेक्ट्रॉन भी है चारों के पास, करेक्ट। ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से हटा करके बीच में रख देंगे, जिससे दोनों के बीच में एक बार और शेयरिंग हो जाएगी और एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा। इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जब अगला वाला मॉलिक्यूल आएगा तो उसके साथ रिएक्शन करने के काम देगा, ठीक है। अगला वाला मॉलिक्यूल का भी तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन रहेगा ना,
इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देंगे तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, तो इस तरह से ये कार्बन जो है अगले मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, तो ये वाला कार्बन पिछले वाले मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, इसी तरह से बार बार चलता रहेगा। और जब हम पॉलीमर स्टाइल में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ यहाँ पर ऐसे दो बॉन्ड लगा करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एन टाइम्स, और जितने हाइड्रोजन है यहाँ पर लगा दो, मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पर था तो यहीं पर लगा दो, तो जो पॉली आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C, देन मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड, ठीक है, ये इस तरह से कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर जो है इससे मिला सकते हो। देखो बीच वाले दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वहां भी बीच वाले दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मिथाइल ग्रुप था मिथाइल ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, और जितने मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज होंगे उतनी टाइम्स के लिए वहां पर एक नंबर लगा लिया है एन। ये है आइसोप्रीन और वो है पॉली आइसोप्रीन। इसमें एक खास बात है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड होने का मतलब होता है अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है तो वहां पर दो चीजें हो सकती है, मतलब उसका दो आइसोमर हो सकता है, सिस और ट्रांस, तो रबर में भी ये बात हो सकती है। जो रबर होता है नेचुरल रबर, इसके दो आइसोमर्स होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस वाला जो होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसी का हम लोग रबर बनाते हैं, और ट्रांस वाला जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल कड़ा होता है, बिल्कुल हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, उसका यूज हम लोग रबर की तरह नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि पॉली आइसोप्रीन जो है वो दो तरह के स्ट्रक्चर में हो सकता है, सिस और ट्रांस। सिस वाला सॉफ्ट होता है और ट्रांस वाला सॉफ्ट नहीं होता, वो बहुत हार्ड होता है, इसलिए उसका यूज हम रबर की तरह नहीं कर सकते। नेचुरल रबर के साथ साथ सिंथेटिक रबर्स की भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। सिंथेटिक रबर, इसमें एक बड़ा ही फेमस रबर है ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, वैसे मिथाइल ग्रुप को यहां से हटा दो तो ये हो जाएगा ब्यूटाडाइन, तो मिथाइल हटाया तो इस कार्बन पर देखो एक हाइड्रोजन हमने बढ़ा दिया है, ये है ब्यूटाडाइन, और जब इसका पॉलीमराइजेशन कर देंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे ये क्या है, पॉली ब्यूटा डाई, ठीक है, ये एक सिंथेटिक रबर है। एक और सिंथेटिक रबर होता है नियोप्रीन, उसके लिए भी कुछ खास नहीं करना है, बस ये मिथाइल ग्रुप हटाओ, इसकी जगह एक क्लोरीन एटम लगा दो, तो हम अलग से नहीं लिखेंगे, इसी को मिटा करके यहीं पर लिख देंगे। अगर यहां क्लोरीन एटम है तो यहां पर भी क्लोरीन एटम ही हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्रीन, ठीक है, इसको कहते हैं क्लोरोप्रीन, और जो इसका आइसोमर होता है इसको पॉली क्लोरोप्रीन तो कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसी का एक नाम नियोप्रीन भी होता है। पॉली क्लोरोप्रीन कहना तो बहुत ही सिंपल है, क्लोरोप्रीन है तो पॉलीमराइजेशन के बाद पॉलीक्लोरोप्रीन हो ही जाएगा, लेकिन उसी को हम लोग नियोप्रीन भी कहते हैं। तो याद रखना क्लोरोप्रीन नियोप्रीन आइसोप्रीन, ये जो प्रीन वाले नाम है तो कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो एग्जाम में अक्सर करके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ आइसोप्रीन क्या होता है, बताओ नियोप्रीन क्या होता है, बताओ क्लोरोप्रीन क्या होता है, तो हमें याद होना चाहिए कि आइसोप्रीन मोनोमर होता है, क्लोरोप्रीन भी मोनोमर होता है, और क्लोरोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो नियोप्रीन बन जाता है, ओके। इसके अलावा एक और सिंथेटिक रबर बताया हमने ब्यूटाडाइन रबर। सिंथेटिक रबर्स में एक और रबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टाइरीन,
ट्यूटा डाइई रबर, ठीक है, जैसा नाम है वैसा ही काम भी होगा। स्टाइरीन और ब्यूटा डाइन दोनों को मिला करके बनेगा। स्टाइरीन का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, ये यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा दो, ये हो गया स्टाइरीन। और ब्यूटा डाइन का स्ट्रक्चर भी हम जानते हैं, ये है ब्यूटा डाइन। इन दोनों को जब हम लोग आपस में मिला करके पॉलीमराइजेशन करते हैं तो जो पॉलीमर मिलता है उसी को हम बोलते हैं स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम SBRB कहते हैं, ठीक है। इसी का एक नाम होता है ब्यूना एस रबर, ठीक है। ब्यूना एस में ये जो BU है, BU का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, ये जो एस है एस का मतलब होता है स्टाइरीन, और ये जो Na है Na का मतलब होता है सोडियम, जिसको हम कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। इन दोनों के साथ जब कैटलिस्ट की जगह सोडियम लगाते हैं तो जो रबर बनता है उसको हम लोग ब्यूना एस रबर भी कहते हैं। जब इन दोनों को बनाते हैं तो इन दोनों को इक्वल रेशियो में जनरली नहीं लेते हैं, ठीक है। रेशियो लेते समय ये जो होता है ज्यादा होता है, 25% रेशियो में होता है, और ये जो होता है 25% रेशियो में होता है, ठीक है। तो इससे मिल करके पॉलीमर बनेगा, उसको भी स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर कह सकते हैं, ब्यूटा एस रबर कह सकते हैं, SBR शॉर्टकट में कह सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न कि उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा है। चलो सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स तक देखते हैं, ओके। तो अगर दो मॉलिक्यूल्स तक देखेंगे तो क्या होगा, देखो फिर से अपना फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म अप्लाई करो। इसका इलेक्ट्रॉन एक इसको दो, एक इसको दो, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दो, इसको दो, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दो, इसको दो, ठीक है। तो स्टेटस क्या हो जाएगा, ठीक है, ये देखो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर में भी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये दोनों इस इलेक्ट्रॉन का यूज क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड बना दो। ये दोनों क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का चेन को आगे बढ़ाने में काम करेगा, ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन का चेन को आगे बढ़ाने में काम करेगा। तो इसको इस तरह से लिख देना, ठीक है, ब्रैकेट में करके एन मत लिखना इस बार। क्यों मत लिखना, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम नहीं होता है, इसीलिए अगर हम ब्रैकेट में करके n लिख देते हैं तो इसका मतलब दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा। तो ब्रैकेट में करके n इस पर मत लिखना, दोनों सब डॉटेड लाइन लगा करके छोड़ देना, समझदारों के लिए ये सारा काफी होता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। तो नेचुरल रबर आइसोप्रीन से बनता है, सिंथेटिक रबर्स में कई तरह के रबर्स है हमारे पास, ब्यूटाडाइन रबर हम लोगों ने देखा, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनते हुए देखा, और ये स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर देखा। एक और बिल्कुल इसी तरह का होता है, से स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर है, उसी तरह से यहां पर अगर हम साइनाइड ग्रुप लगाते हैं तो ये स्टाइरीन से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्राइलोनाइट्राइड, ठीक है, क्राइलोनाइट्राइड ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। SBR इसको हम नहीं कहेंगे, इसको हम लोग ब्यूटा एन के नाम से भी जानते हैं, ओके। एन मतलब ये इस ग्रुप को हम लोग नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं ना, इस ग्रुप को नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं, इसलिए वहां पर एन लगा दिया है। BU का मतलब वही है ब्यूटाडाइन, और Na जो है उसका मतलब वही है सोडियम। तो एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन को मिला करके भी हम सिंथेटिक रबर बना सकते हैं। तो सिंथेटिक रबर बहुत सारे तरीके के होते हैं, कुछ दो चार रबर हम लोगों ने देखे, इसको तुम लोग याद रखने की कोशिश करो। नेचुरल वाला रबर, क्लोरोप्रीन वाला रबर, ब्यूटाडाइन वाला रबर, और ये मिक्सचर वाला रबर। मिक्सचर से यहां पर एक और टॉपिक आ जाता है हमारे सामने, जैसे ही मिक्सचर आता है वैसे हमारे सामने एक और टॉपिक हो जाता है, होमोपॉलीमर है
पॉलीमर, ठीक है, होमो पॉलीमर एंड को पॉलीमर। होमो पॉलीमर मतलब एक ऐसा पॉलीमर जिसमें सारे मोनोमर्स एक जैसे हो। जैसे अगर मान लो एक मोनोमर ए है, ये मोनोमर है, हमने इसका पॉलीमराइजेशन करा दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का। अगर मान लो चेन लीनियर है, ब्रांचिंग वगैरह ना होने पाए, तो इस तरह का पॉलीमर मिलेगा, इसको हम कहेंगे होमो पॉलीमर। अगर ए और बी दो मोनोमर, ठीक है, जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ए और बी का एक मिक्सचर मिलेगा, इसमें ए बी ए बी ए बी, इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। जरूरी नहीं है हमेशा एक ए के बाद एक बी आए, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि दो बार ए आ जाए, फिर बी आए, फिर तीन चार बार उसी में ए आ जाए, फिर उसके बाद उसी में मतलब एक दो बार बी आ गया, तो इस तरह का भी सिचुएशन हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, रैंडम भी हो सकता है, ठीक है, रैंडम कोपॉलीमर, ठीक है, यूनिफॉर्म कोपॉलीमर, रैंडम कोपॉलीमर। ये भी जरूरी नहीं कि चेन इस तरह से लीनियर ही रहे, ये भी हो सकता है कि इस तरह से एक हो जाए, एक का चेन चलता चला जाए और उसी पर जगह जगह बी का चेन इस तरह से हो जाए। तो जब तक को पॉलीमर होगा वो कई तरह का हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग उसके अंदर नहीं जाना है, यहां पर हम लोग उसे फिर समझना है कि होमो पॉलीमर क्या होता है और को पॉलीमर क्या होता है। होमो पॉलीमर मतलब जिसमें सारे मोनोमर्स एक जैसे हो, और को पॉलीमर्स मतलब दो या दो से अधिक तरह का मोनोमर यूज किया है। जरूरी नहीं कि केवल दो ही रहे, हो सकता है तीन भी हो सकता है, हो सकता है चार भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक अगर मोनोमर्स यूज करते हैं और ऐसा पॉलीमर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वो को पॉलीमर होता है। और फिर से ये कई तरह का इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। तो जो रबर होता है, नेचुरल रबर, होमो पॉलीमर है। क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन हमने बनाया था, वो भी होमो पॉलीमर था। लेकिन ये जो स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर बनाया है, ये क्या है, को पॉलीमर है। इसी तरह से एक और भी जो बनाया था, एक्रेलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन वाला रबर, ये भी को पॉलीमर था, क्योंकि यहां पर दो दो मोनोमर्स मिलकर के आपस में काम कर रहे थे। तो होमो पॉलीमर और को पॉलीमर, इसको भी याद रखना है तुमको। रबर में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ये क्या होता है कि देखो, जो रबर का मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत बड़ा सा है, इसको मैं ऐसा बना दे रहे हैं, ठीक है, चलो ये रबर का मॉलिक्यूल है, इसमें ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लंबा सा चेन बना दिया, तो उसको हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा, तीसरा मॉलिक्यूल भी होगा, चौथा मॉलिक्यूल भी होगा, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा सल्फर मिला देते हैं, S8, सल्फर का फॉर्मूला होता है S8, तो इसमें थोड़ा सा सल्फर मिला देते हैं, मिलाकर कुछ थोड़ा गर्म वगैरह करते हैं। तो सल्फर जो होता है रबर के इन चेन्स को या इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देता है जगह जगह से, ठीक है, कहीं पर एक सल्फर एटम, कहीं पर दो सल्फर एटम, इस तरह से ये करता क्या है कि रबर के मॉलिक्यूल्स को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है, रबर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, टफ हो जाता है, ठीक है, मजबूत हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। अगर हम रबर को ले, उसमें थोड़ा सा सल्फर मिलाए और मिलाकर उसको थोड़ा गर्म वगैरह कर दे, तो रबर के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, इन बॉन्ड्स का नाम है, इन बॉन्ड्स को बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। ये रबर में जब थोड़ा सा सल्फर मिला करके गर्म कर देते हैं तो रबर के मॉलिक्यूल्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की मदद से कंबाइन हो जाते हैं,
जिससे रबर जो होता है स्ट्रांग और टफ हो जाता है, इसी को बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो रबर पे बस हमारी तरफ से इतना ही रहेगा। अब आ जाते हैं क्लास के अगले टॉपिक पर, रेजिंस। रेजिंस में हम एक रेजिन की स्टडी करेंगे सिर्फ, और वो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ रेजिन है जिसको हम कहते हैं बेकेलाइट। ठीक है, सिर्फ एक रेजिन की स्टडी करनी है, बहुत सारे रेजिन है लेकिन हमारे काम का सिर्फ एक रेजिन है यहाँ पर। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ रेजिन बेकेलाइट। फिनॉल को लो, और फॉर्मल्डिहाइड को लो। फॉर्मल्डिहाइड को वैसे लिख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ कनेक्ट कर दो, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, सबसे छोटा एलिमेंट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, बेंजीन वाले चैप्टर में हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की है। तो ये जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये कार्बन जो है यहाँ पर आकर के कनेक्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा, कुछ इस तरह से अटैक होगा। अगर एक रफ मैकेनिज्म लिखा जाए तो कुछ इस तरह से काम होगा कि ये पाई बॉन्ड की मदद से इस कार्बन पर अटैक करेगा। जिस समय ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है उसी समय इसने इसके ऊपर अटैक किया, तो इसके और इसके बीच में हम एक बॉन्ड बना देंगे और ये ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, बाद में इसको एच प्लस मिल जाएगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है। दो हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये CH2OH2 है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये केवल इसी कार्बन एटम पर कनेक्ट हो। हम लोग जानते हैं कि फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, मतलब जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो आर्थो पोजीशन के साथ साथ पैरा पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है। तो पैरा पोजीशन पर भी अटैक करा दो, इस तरह का भी CH2OH। ठीक है, इस बार हमने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया CH2OH। कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, सिर्फ CH2 और OH है, तो OH के लिए तो आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर ये ग्रुप आ गया। इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, तो देखो ये CH3 होता तो हम इसको कहते हैं ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, लेकिन ये CH3 नहीं है, इसमें क्या है एक हाइड्रोजन कम करके उसकी जगह OH लगा दिया है, तो उसको कहेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, और इसका नाम लिख सकते हैं पायरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ये रिएक्शन कराने के लिए हम लोग एसिड या बेस दोनों में से कोई भी कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, दोनों ही काम करेंगे। एसिड बेस दोनों कैटालिस्ट जो है इस रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकता है। ठीक है, ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकता है। अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल को पकड़ लें, ये है CH2OH को, चलो ऐसे लिखो एक OH, और एक और मॉलिक्यूल इसी तरह से हम पकड़ लें। ठीक है, तो देखो ये OH जो है एक लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है लेकिन लिविंग ग्रुप है, करेक्ट। तो जब ये यहां से निकल करके जाएगा इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, उसी समय बेंजीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस पर अटैक करेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला कार्बन जो है यहाँ पर पैरा पोजीशन पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आर्थो पर ही हो, सिंपलिसिटी के लिए
क्वेश्चन को तो हमें दिखाना ही पड़ेगा, तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने अर्थ वाले को भी कोशिश करा है। तो यहां से इस कार्बन का और इस कार्बन का लिंक बन जाएगा और ये OH ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो गए, इसी तरह से इसके कार्बन पर तीसरे मॉलिक्यूल का अटैक होगा, तीसरे वाले पर चौथे वाले का, चौथे वाले पर पांचवे वाले का अटैक होगा, तो ये चेन जो है बनता चला जाएगा। ये हो गया OH, बीच में अब ये CH2 लिख दो, बीच में हो गया अपना CH2, और CH2 के बाद क्या करना है, ये अगला वाला मॉलिक्यूल बनाओ, फिर से अगला वाला मॉलिक्यूल बनाया OH, और फिर इसका वाला CH2 लिखो, इसका वाला CH2 लिखो, और फिर यहां से ऐसे डॉटेड लाइन से बना दो, यहां पर भी डॉटेड लाइन से ऐसा बना दो, मतलब ये इधर की तरफ और इधर की तरफ, दोनों की तरफ ये चेन चलता चला जाएगा, और चलता चला जाएगा तो क्या हो जाए, बड़ा पॉलीमर हमें, बड़ा पॉलीमर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। और यही पर नहीं, ये काम पैरा पोजिशन पर भी होगा, ठीक है। CH2 यहां पर OH, इसमें भी इधर से डॉटेड कर दो, और यहां पर CH2, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कर रहा होगा तुमको बनाने के लिए स्ट्रक्चर, ओके। और अच्छे से बनाते हैं, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ लाइन में चले जाते हैं, जैसा ये दोनों है टेढ़ा हो गया, तुम लोग अपनी अपनी कॉपी में सीधा बना लेना। तो इस तरह से ये चलता चला जाएगा और एक बड़ा सा जो है पॉलीमर मॉलिक्यूल मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेकेलाइट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। अब तक जितने भी पॉलीमर्स हम लोगों ने देखे हैं उससे बेकेलाइट थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट किस बात में है कि बाकी के जितने भी पॉलीमर्स अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, चाहे वो पॉलीथाइलीन हो, पॉलीप्रोपाइलीन हो, टेफ्लॉन हो, पॉलीस्टाइरीन हो, नायलॉन 6,6 हो, रबर्स हो, पॉलीएस्टर, तो जितने भी पॉलीमर्स हमने देखे थे, अगर उनको हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर से ठंडा कर देते तो जैसा का तैसा हो जाता है। जैसे प्लास्टिक का कोई चीज ले लो, उसको थोड़ा गर्म करो, तो गर्म करने से क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो मेल्ट भी हो जाएगा, फिर से ठंडा करोगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो ऐसे बिहेवियर को हम बोलते हैं, ये है थर्मोप्लास्टिक बिहेवियर, थर्मोप्लास्टिक बिहेवियर। और बेकेलाइट जो है इसको गर्म करोगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगा, ये और भी हार्ड हो जाएगा, ठीक है, ये सॉफ्ट नहीं होगा और भी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो पॉलीमराइजेशन हुआ है, जब हम गर्म करते हैं तो ये पॉलीमराइजेशन और भी ज्यादा हो जाता है, मतलब मॉलिक्यूल्स का आपस में और भी ज्यादा लिंक बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग। ये पॉलीमर्स के चेन्स है, ठीक है, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स के चेन्स है, जब हमने गर्म किया तो क्या हुआ, ये चेन्स आपस में किसी न किसी तरह से कनेक्ट हो गए, ठीक है। ठंडे थे तो सब अलग अलग थे, लेकिन गर्म किया तो ये चेन्स आपस में कनेक्ट हो गए। अब ये ठंडा कर भी दोगे तो अब ये बॉन्ड वापस टूटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जनरली एक डायरेक्शन में हो जाता है, तो अपने आप वापस नहीं आएगा। तो जब ये क्रॉस लिंकिंग हो गया गर्म करने पर, तो ये फिर से टूटेगा नहीं, इसीलिए अब ये हार्ड हो गया और उसी तरह से हार्ड होकर के पड़ा रहेगा, दोबारा सॉफ्ट नहीं होगा। तो जो इस तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के पॉलीमर्स होते हैं, उनका मेरे पास कोई सामान है, मान लो ये जो है बॉल है, ठीक है, जो थोड़ा राउंड शेप में, हम चाहें तो इसको मेल्ट करें और इसका शेप जो है चेंज कर दें, ठीक है, इसको मोल्डिंग भी कहते हैं। तो जो थर्मोप्लास्टिक टाइप के पॉलीमर्स होते हैं उनको मोल्ड किया जा सकता है, उनको मोल्ड मतलब रीमोल्ड कर किया जा सकता है, ये कह सकते हैं रीमोल्ड किया जा सकता है। ये अगर एक बार सामान बना लिया है तो उसको फिर से गर्म करके थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे और फिर से उसका शेप चेंज करके नया मटेरियल बना सकते हैं।
इसमें यह फीचर नहीं है, क्योंकि जिसको जितना गर्म करोगे ये उतना हार्ड होता जाएगा, तो दोबारा फिर से कैसे नया मेटेरियल बनाओगे। तो बेकेलाइट के इस फीचर की वजह से इसको ऐसी जगहों पर यूज करते हैं जहां पर चीजों को गर्म करना पड़ता है। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर का हैंडल जो होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो खूब गर्म हो जाता है। अगर नॉर्मल प्लास्टिक का वहां पर हैंडल लगा दोगे तो जब प्रेशर कुकर गर्म होगा तो प्लास्टिक पिघल करके नीचे गिर जाएगा। तो वहां पर बेकेलाइट का हैंडल लगाते हैं तो वो क्या होता है, चाहे कुकर को तुम कितना भी गर्म कर लो अब वो हैंडल जो है टूटेगा वगैरह नहीं, गर्म हो मतलब उसको गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना गर्म करोगे उतना हार्ड होता चला जाएगा। इसी तरह से जो स्विच होता है हम लोगों के घरों में इलेक्ट्रिकल बोर्ड में जो स्विच होता है, कभी कभी उसमें भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, तो वहां पर भी अगर नॉर्मल प्लास्टिक लगाओगे तो वो पिघल जाएगा। तो वहां पर भी बेकेलाइट का स्विच बनाते हैं। बेकेलाइट का स्विच क्या होगा, गर्म होगा भी तो वो पिघलेगा नहीं और भी ज्यादा हार्ड हो जाएगा, तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना कि बेकेलाइट जो है इसका बिहेवियर इस बिहेवियर से अलग, और इस बिहेवियर को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग बिहेवियर या थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, दो तरह के पॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाएगा, ठंडा करोगे फिर से वापस अपने जैसा हो जाएगा। थर्मोसेटिंग जिसको गर्म करोगे तो और भी ज्यादा हार्ड होता जाएगा और वापस फिर से अपने पुराने स्ट्रक्चर में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि गर्म करते हैं तो क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाती है और ठंडा करने पर यह बॉन्ड्स टूटते नहीं। बेकेलाइट में यह तुम्हें याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इस क्लास का जिग्लर नेटा कैटालिस्ट, ठीक है। लेकिन जिग्लर नेटा कैटालिस्ट पर आने से पहले थोड़ी सी बातें हमें और करनी पड़ेगी। हम लोगों ने पॉलीप्रोपाइलीन का स्ट्रक्चर देखा है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, मिथाइल ग्रुप, फिर से यही यूनिट बार बार आता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है पॉलीप्रोपाइलीन का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है। ये जितना पहला कार्बन है इसको मान लो, दूसरा कार्बन ये है, इस पर मिथाइल ग्रुप है, फिर से पहला कार्बन, फिर से दूसरा कार्बन, फिर से मिथाइल ग्रुप, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, मिथाइल ग्रुप। तो एवरी सेकंड कार्बन एटम, ठीक है, एवरी सेकंड कार्बन एटम उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन है एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मतलब इसके साथ चार अलग अलग फंक्शनल का, चार अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक देखो ये हाइड्रोजन हो गया, एक मिथाइल हो गया, दो इधर की तरफ, तीसरा और उधर की तरफ चौथा। तो इसकी वजह से इस कार्बन पर दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, आर और एस, या तो ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमराइजम में हम लोगों ने ये बात पढ़ा हुआ है कि अगर कार्बन पर एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है तो उसके दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल होते हैं। तो इस कार्बन पर एक दो तीन चार, चार अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, इस पर भी चार अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, इस पर भी चार अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इस वजह से जो कार्बन एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन है वो दो तरह का हो सकता है, आर और एस। अब इसको हम बनाए कैसे, तो सिंपल तरीका बनाने का हमारे पास है, पहले ऐसा बना लो, करेक्ट, उसके बाद इस मिथाइल ग्रुप को, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, फिर ये पहला कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, मिथाइल ग्रुप हमने ऐसे बना दिया, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, मिथाइल ग्रुप ऐसे बना दिया। तो इस तरह से इसमें हुआ क्या, देखो सारे मिथाइल ग्रुप हमने मोटे वाले बॉन्ड से बनाया, इसका मतलब ये होता है कि मिथाइल ग्रुप सामने की तरफ आ रहे हैं। हम ये भी कर सकते थे कि सारे मिथाइल ग्रुप्स को जो है हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं, डॉटेड लाइन से बनाते हैं मतलब क्या है कि सारे के सारे मिथाइल ग्रुप्स पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा, ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। इसके बाद ये भी हो सकता है कि एक मिथाइल ग्रुप आगे की तरफ हो, फिर अगला पीछे की तरफ हो, फिर अगला आगे की तरफ हो, फिर अगला वाला जो है पीछे की तरफ हो, ये भी पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि ये रैंडम बिहेवियर हो, ठीक है, मान लो एक आगे की तरफ है, फिर आगे की तरफ है, फिर से आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है, फिर उसके बाद जो है
एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है, फिर एक आगे की तरफ है, तो ये बिहेवियर क्या है, रैंडम है। तो मतलब क्या है कि सभी मिथाइल ग्रुप्स एक साइड में हो सकते हैं, या तो सभी आगे की तरफ या तो सभी पीछे की तरफ, ऐसे बिहेवियर को हम बोलते हैं आइसोटैक्टिक। ठीक है, हो सकता है इस तरह का बिहेवियर हो, एक आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे, मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में, इसको बोलते हैं सिंडियोटैक्टिक। और इस तरह का बिहेवियर इसको हम बोलेंगे एटैक्टिक। ठीक है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, एटैक्टिक बिहेवियर। तो तीन तरह का जो है पॉलीप्रोपाइलिन, उसका स्ट्रक्चर तीन तरह का हो सकता है, कि आइसोटैक्टिक हो सकता है मतलब ऐसा या ऐसा हो सकता है, सिंडियोटैक्टिक हो सकता है, या फिर ये एटैक्टिक हो सकता है। जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमारे सामने ये काफी बड़ा प्रश्न होता है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, पॉलीप्रोपाइलिन का बिहेवियर कैसा होगा। तो ये डिपेंड करता है हमने कैटालिस्ट कैसा यूज किया है। अगर हम नॉर्मल फ्री रेडिकल कैटालिस्ट यूज करते हैं फ्री रेडिकल कैटालिस्ट के लिए हम लोगों ने बात किया था पिछले क्लास में कि हम लोगों को कोई परऑक्साइड यूज करना पड़ता है, या फिर सबसे सिंपल एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मदद से भी हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करा सकते हैं। तो ऑक्सीजन यूज कर लो या कोई परऑक्साइड यूज कर लो, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा इन मिथाइल ग्रुप्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, और जो मिथाइल ग्रुप्स बनेंगे वो आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो पॉलीमर मिलेगा वो एटैक्टिक टाइप का होगा। ठीक है, और इसका बिहेवियर जो है उतना अच्छा, या उसका इसका जो प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज उतने अच्छे नहीं होते हैं। अगर ये पैटर्न रेगुलर रहेगा तो जो पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं। पॉलीमर जो होता है क्रिस्टलाइन होता है, स्ट्रांग होता है, टफ होता है, मजबूत होता है, और अगर वो इरेगुलर पैटर्न होता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से पैक नहीं होते। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपने पास कुछ इस तरह के ब्लॉक्स, ठीक है, सब एक जैसे हैं, जब इसको पैकिंग करेंगे तो सब एक साथ आसानी से पास पास चिपक करके अच्छे से पैक हो जाएंगे। अब इसी में कोई जो है टेढ़ा मेढ़ा है, कोई इस तरह का शेप का है, कोई जो इस तरह का शेप का है, तो अब इन सबको जब हम एक साथ मिलाकर के पैक करेंगे तो इनका पैकिंग उतना बढ़िया नहीं होगा। तो यहां पर क्या होता है, रेगुलर पैकिंग हो जाता है थोड़ा, और यहां पर जो है इरेगुलर पैकिंग हो जाता है, और रेगुलर पैकिंग से मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो पॉलीमर भी स्ट्रांग होता है, और जब इरेगुलर पैकिंग होगा तो पॉलीमर भी कमजोर होगा। तो अगर हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करते हैं प्रोपाइलिन का, तो जो पॉलीमर बनेगा, जो पॉलीप्रोपाइलिन बनेगा, उसका नेचर ऐसा होगा, पैकिंग इरेगुलर होगा, जिसकी वजह से उसका फिजिकल प्रॉपर्टी उतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो उतना स्ट्रांग पॉलीमर नहीं होगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर दें, कोई ऐसा कैटालिस्ट यूज करें, कुछ ऐसा मेथड लगा दें कि ऐसा वाला बन जाए, ये ऐसा वाला बन जाए, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, इसमें सारे एक तरफ है और इसमें क्या है आगे पीछे अल्टरनेट है, तो दोनों को हम रेगुलर मानेंगे। तो अगर हम कोई ऐसा कैटालिस्ट यूज कर लेते हैं जिससे ये वाला या ये वाला बन जाए, तब जो पॉलीमर बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा टफ होगा, ज्यादा स्ट्रेंथफुल होगा, हमारे लिए ज्यादा यूजफुल भी हो सकता है। इसके लिए हम यूज करते हैं जिग्लेनेटा कैटालिस्ट। जिग्लेनेटा कैटालिस्ट क्या होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्यूमिनियम के साथ तीन एल्किल ग्रुप्स। यहां पर हमने एग्जांपल के तौर पर इथाइल ग्रुप ले लिया, इथाइल की जगह प्रोपाइल, ब्यूटाइल और भी दूसरे ग्रुप्स हो सकते हैं। तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम कह सकते हैं, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम का जो मिक्सचर होता है, इसी को हम बोलते हैं जिग्लेनेटा कैटालिस्ट। और इसका यूज क्या है, इसका यूज यही है कि अगर हम कहीं पर रेगुलर बिहेवियर या रेगुलर पैटर्न के साथ सिंडियोटैक्टिक, या फिर इसको क्या बोला था, आइसोटैक्टिक टाइप का पॉलीमर बनाना चाहते हैं, तब इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज
करने पर ऐसा वाला पॉलीमर ही क्यों बनता है, अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है इस क्लास के स्कोप के बाहर है, तो फिर कभी अगर मौका मिला तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे लिए सिर्फ इतना याद रखना काफी है कि पॉलीमर्स का बिहेवियर सिंडियोटैक्टिक, आइसोटैक्टिक, एटैक्टिक हो सकता है, और अगर हमको इस तरह का पॉलीमर बनाना है तो हमको कौन सा कैटलिस्ट चाहिए, जिग्लर नेटा कैटलिस्ट चाहिए। यही जिग्लर नेटा कैटलिस्ट का एक्सप्लेनेशन, मतलब यही डिस्क्रिप्शन है हमारी तरफ से कि व्हाट इज जिग्लर नेटा कैटलिस्ट और इसका यूज क्या है। और केवल यहीं पर नहीं, और भी बहुत सारे जगहों पर इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इथाइलिन का एग्जाम्पल ले, इथाइलिन में हम लोगों ने देखा था CH2 double bond CH, करेक्ट। जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या होता है, कुछ इस तरह का सिस्टम बन जाता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सिर्फ आधा पिक्चर देखा था, अब यहां पर देखो पूरा पिक्चर है कि अगर हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि ये कार्बन चेन जो है इसमें जगह जगह से दूसरा कार्बन चेन भी निकला हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। फिर तो दूसरे कार्बन चेन में से यहीं से मान लो तीसरा कार्बन चेन है, तो ये क्या होगा, ब्रांच हो गया। कैसा हो गया, ब्रांच हो गया, क्योंकि जब रिएक्शन फ्री रेडिकल होता है तो उस पर हमारा उतना बेटर कंट्रोल नहीं होता है, वो कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके वहीं पर रिएक्शन शुरू कर देता है। तो जब हम इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कराते हैं तो हमको एक लीनियर मॉलिक्यूल नहीं मिलता है, बल्कि एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल मिलता है। और वहीं पर अगर हम जिग्लर नेटा कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल कैसा होगा, लीनियर मॉलिक्यूल होगा, बिल्कुल लीनियर, इसमें कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, या होगी भी तो बहुत कम होगी, ठीक है। ये तो हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं होगी, लेकिन जो ब्रांचिंग होगी अगर कहीं होती भी तो बहुत कम होगी, ना के बराबर। तो इसीलिए लीनियर मॉलिक्यूल है, और लीनियर मॉलिक्यूल मतलब रेगुलर। और यहां पर फिर से क्या है, इरेगुलर, और रेगुलर है तो बेटर पैकिंग, बेटर पैकिंग। और बेटर पैकिंग से क्या होगा, पॉलीमर जो होगा वो उसमें स्ट्रेंथफुल होगा, स्ट्रेंथफुल पॉलीमर। तो यहां पर जो इथाइलिन मिलता है हम लोगों को जिग्लर नेटा वाले से, जो इथाइलिन मिलता है वो स्ट्रॉन्ग है, इसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी इथाइलिन, पॉलीथाइलिन, ठीक है। और इसको कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन। तो इस बात का याद रखना है, ठीक है, ये जिग्लर नेटा कैटलिस्ट का यूज करके हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन बना सकते हैं, जबकि अगर फ्री रेडिकल कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। ये कमजोर होता है, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। इसको आसानी से हम चाहे तो मोड़ सकते हैं, चाहे तो दबा सकते हैं, लेकिन वो काफी हार्ड होगा, उसको आसानी से तोड़ना फोड़ना मोड़ना पॉसिबल नहीं होगा। इसका नेचर क्रिस्टलाइन होगा, याद करो सॉलिड स्टेट, अगर रेगुलर पैकिंग होती है, अच्छा पैकिंग होता है तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा क्रिस्टलाइन होगा, जबकि इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन टाइप का नहीं होगा। इसी तरह से रबर, जब हम रबर बनाते हैं तो उसमें बीच बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं, तो सिस ट्रांस दोनों तरह की पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर सब ट्रांस है तो काफी हार्ड होगा, सब सिस है तो काफी सॉफ्ट होगा। अगर हमें सिस वाला बनाना है तो हम जिग्लर नेटा कैटलिस्ट का यूज कर ले, सारा का सारा सिस फॉर्म में बन जाएगा, हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो जिग्लर नेटा कैटलिस्ट की मदद से हम पॉलीमर का स्टीरियो केमिस्ट्री और रेगुलर मॉलिक्यूल्स का रेगुलर बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे तो लिंगर चेन बना सकते हैं पॉलीथीन में, पॉलीप्रोपाइलीन में चाहे तो हम आइसोटैक्टिक या सिंडियोटैक्टिक टाइप का पॉलीमर बना सकते हैं, और रबर्स में अगर हम चाहे तो सारे के सारे बॉन्ड्स सिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जिग्लर नेटा कैटलिस्ट के कुछ यूज, व्हाट इज जिग्लर नेटा कैटलिस्ट और उसका यूज क्या होगा। अब इस क्लास का लास्ट टॉपिक, यूज ऑफ द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। तो पॉलीमर्स के ढेरों एप्लीकेशन, प्लास्टिक, हम लोग मोबाइल फोन अपना देख लो उसमें भी प्लास्टिक लगा हुआ है, कंप्यूटर देख लो, टीवी देख लो वो भी प्लास्टिक से ही बना हुआ है,
पॉलिथीन का बैग तुम लेकर के चलते ही हो। तो पॉलीमर्स के बहुत सारे यूज होते हैं, तो हम लोगों को उस तरह से नहीं देखना है। इंडिविजुअली जितने पॉलीमर्स हम लोगों ने देखे उसका एक एक दो दो यूज हम लोगों को देख लेना है। कभी कभी एग्जाम में जो है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोगों ने देखा था पॉलीथीन, पॉलीथीन ठीक है, या पॉलीथाइलीन भी इसको कहा था। तो इसका यूज जैसा कि बताया था, इसका पॉलीथीन बैग बना सकते हैं ठीक है, बॉटल्स वगैरह बनाने में ठीक है, पाइप बनाने में, जो पाइप आसानी से मुड़ सकता है वो वाला है पाइप। जैसे हमारे घरों में पानी की सप्लाई के लिए कभी कभी पाइप लगाया जाता है, आसानी से जगह जगह मुड़ सकते हैं, तो वो वाला पाइप। इसी तरह से पॉलीवाइनिल क्लोराइड ठीक है, इसका यूज भी जनरली पाइप बनाने में ही करते हैं, लेकिन हार्ड वाला पाइप ठीक है, प्लास्टिक का एक हार्ड वाला पाइप भी होता है जिसको मोड़ नहीं सकते, अगर मोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा वो वाला पाइप, पीवीसी से बनाते हैं। एक हम लोगों ने देखा था ऑरलॉन ठीक है, इसका यूज फाइबर ठीक है, फाइबर का यूज क्या है, फाइबर का यूज कपड़ों को बनाने में कर सकते हैं ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था पॉलीस्टाइरीन, इसका यूज हम लोग करते हैं पैकेट्स बनाने में ठीक है, पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स, जैसे बाजार में जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, जैसे फ्रूटी हो गया, आता है फ्रूटी एक छोटे से डब्बे में, तो वो पॉलीस्टाइरीन का बना हुआ हो सकता है। टेफ्लॉन, नॉन स्टिक कोटिंग, कुकिंग वेयर्स, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं ठीक है, उस पर नॉन स्टिक कोटिंग लगाने में टेफ्लॉन का यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने टेरिलीन देखा था, फाइबर, और इससे भी क्लोथ बना सकते हैं ठीक है, सही कर दो। इसके अलावा हम लोगों ने नायलॉन 6/6 देखा था ठीक है, नायलॉन 6/6 का यूज क्या है, इससे भी फाइबर बना सकते हैं, लेकिन इससे जो है जो रस्सी वाला मजबूत फाइबर होता है, नायलॉन का रस्सी तुम लोगों ने देखा होगा, तो जो मजबूत वाली रस्सी होती है वो नायलॉन से बनाते हैं ठीक है, इसका यूज कपड़ों को बनाने के लिए यूजली नहीं करते हैं ठीक है। जो पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन वाला धागा होता है वो भी यही नायलॉन 6/6 से मिलकर के बना होता है। एक हम लोगों ने नायलॉन 6 भी देखा था, इसका यूज जो है टायर, जो व्हीकल्स होते हैं, हमारा बाइक हो गया, तुम्हारी साइकिल हो गई, इन सब का जो पहिया होता है वो नायलॉन 6 से मिलकर के बना होता है, उसमें नायलॉन 6 भी होता है, और भी बहुत कुछ होता है लेकिन नायलॉन 6 भी होता है। रबर्स हम लोगों ने देखे हैं ठीक है, अपने से सोचो कि रबर्स का क्या क्या यूज करते हैं, एक सिंपल यूज इसका टायर में भी करते हैं ठीक है, टायर बनाने में रबर का भी यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बेकेलाइट देखा था ठीक है, हैंडल एंड स्विचेस, हैंडल्स ऑफ कुकवेयर एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस, तो ये जो है कुछ पॉलीमर्स जो हम लोगों ने पिछले क्लास में, इस क्लास में देखे हैं, उन पॉलीमर्स को और उनके यूज को हमने दिखा। तो पॉलीमर्स तो अभी बहुत सारे यूज होते हैं, इतने ही नहीं होते, बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन ये वो वाला यूज है जो एग्जाम में अक्सर करके पूछता है कि जो नॉन स्टिक कोटिंग बनाते हैं वो किसका होता है, तुम्हें बताना पड़ेगा कि नॉन स्टिक कोटिंग जो है हम टेफ्लॉन का बनाते हैं। फाइबर के लिए कौन सा पॉलीमर यूज कर सकते हैं, तो फाइबर के लिए हम टेरिलीन यूज कर सकते हैं, टेरिलीन क्या, पॉलीएस्टर है। नायलॉन 6/6 यूज कर सकते हैं जो कि एक क्या होता है, पॉलीएमाइड होता है, नायलॉन 6 भी यूज कर सकते हैं ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्विचेज बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, बेकेलाइट का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह से एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए लास्ट में हमने ये भी बता दिया कि इसको भी थोड़ा सा तुम लोग याद रखो। तो पॉलीमर्स में हमारी बात यहाँ पर लगभग पूरी हो गई है, और भी कुछ बचा रहेगा तो फिर से देखा जाएगा। इसी के साथ ये क्लास खत्म किया जाता है, फिर से मिलेंगे हम अगले क्लास में।